हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं एटीट्यूड का पार्ट 4 लेकर आई हूं आपके सामने, जो कि जीएस पेपर 4 का हमारा एक टॉपिक चल रहा है इस सीरीज़ में, यूपीपीएससी मेंस 2018 के एक सीरीज़ के रूप में। मैंने हिस्ट्री का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी शुरू किया है, साथ में ही हम लोगों ने जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का पोर्शन और ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन शुरू किया है। तो आशा है आप वो सब भी वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे, और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। हम लोग यूपीपीएससी मेंस 2018 के लिए जीएस पेपर 4, जो कि एथिक्स का पेपर है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एटीट्यूड कर रहे हैं। एटीट्यूड मीन्स अभिवृत्ति, जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज में। हम पहले एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने किए थे अभिवृत्ति के कार्य क्या होते हैं और अभिवृत्ति की हानियां क्या होती हैं। एक बार बस आप लोग नजर डाल लीजिए अभिरुचि के कार्य क्या क्या होते हैं। अनवित्त योजना, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव, आत्म अभिव्यक्ति का कार्य, सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति, अहरक्षार्थ प्रकार, क्रियाओं का चयन आसान। ये मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इसके अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स हैं, तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। नेक्स्ट हमने किया था अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के क्या क्या हानियां होती हैं। तो रूढ़िवाद होता है, दृष्टिकोण तटस्थ नहीं रहता, लचीलापन कम होता है और वंचित वर्ग का शोषण होता है। चलिए आज हम करने वाले हैं मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध होता है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और मनोवृत्ति और विचार में क्या संबंध होता है, इन दोनों में क्या प्रभाव एक दूसरे का पड़ता है, ये हम आज के टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो सोचते हैं कि जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी, जैसे कि हमने मनोवृत्ति के 3 पक्ष देखे थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, तो जैसी ही हमारी मनोवृत्ति होगी वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। ये जब मनोवृत्ति का डेफिनेशन आई थी, जब इसका विकास हुआ था, तब मनोवैज्ञानिकों ने यही सोचा था कि जैसी मनोवृत्ति होगी वैसा ही व्यवहार होगा। बट ऐसे बहुत से कारक हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन दोनों के इंटर रिलेशन को प्रभावित करती हैं, इन दोनों के रिलेशन में बाधा डालती हैं। कई बार मनोवृत्ति व्यवहार में परिवर्तित नहीं होती, और कई बार तो किया गया व्यवहार ऐसा होता है कि मनोवृत्ति के प्रतिकूल भी हो जाता है। तो इसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं, इन दोनों के रिलेशन कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मनोवृत्ति और व्यवहार के संबंध को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारण यहाँ दिए हुए हैं, प्रभावित करने वाले 3 कारक। ये 3 कारक है, परिस्थितिगत बाधाएं होती हैं जब, तब इन दोनों में प्रभावित होता है, या तो अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। ये दोनों का आपस में इंटर रिलेशन या तो अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। इसी तरह मनोवृत्ति के जुड़े जो पक्ष होते हैं, इससे भी व्यवहार में परिवर्तन आता है, या तो अनुकूल या तो प्रतिकूल। और एक समय कारक होता है, ये जब सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध होगा, दोनों आपस में सहसंबंधित होंगे या फिर अलग अलग बिहेव करेंगे एक दूसरे से। चलिए हम करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम करेंगे परिस्थितिगत बाधाएं क्या क्या होती हैं, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिसके अकॉर्डिंग मनोवृत्ति और व्यवहार में रिलेशन में कॉन्ट्रडिक्शन आता है। जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा हम व्यवहार क्यों नहीं कर पाते और क्यों कर पाते हैं, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिस्थितिगत बाधाएं होती है, सबसे पहले इसमें मूल्य आएगा। मूल्य में कैसे कि अगर मूल्य मनोवृत्ति, मूल्य मान मीन्स वैल्यूज, अगर वैल्यूज और एटीट्यूड में अंतर विरोध होता है, आपस में विरोध होता है, तो मनोवृत्ति और व्यवहार का संबंध भी प्रभावित होता है। ये कैसे होता है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ इसमें। अगर किसी सोसाइटी की या जिस परिवार में हम रहते हैं वहाँ का मूल्य है बड़ों के पैर छूना, बट हमारी थोड़ी सी एक मनोवृत्ति ही अंदर बनी हुई है कि पैर छूना या झुकना पसंद नहीं आता, ये हमारी मनोवृत्ति बनी हुई है, लेकिन वहाँ मूल्य है बड़ों के पैर छूने चाहिए। अब इन दोनों में
कॉन्ट्रेडिक्शन आ रहा है कि हमें पैर छूने चाहिए लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा, तो इसमें जिस चीज़ की वैल्यू उस समय ज़्यादा होगी तो वो काम इंसान करेगा। अगर उसे लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, पैर छूने में कोई मतलब कोई हमारा घाटा नहीं हो रहा तो पैर छू लेते हैं, अगर उसे लगेगा कि मैं क्यों झुकूँ, नहीं मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं छूँगा पैर, तो इस चीज़ में भी फर्क पड़ता है। यहाँ पे ये होगा कि जिसकी तीव्रता अधिक होगी, अगर मूल्य की तीव्रता अधिक होगी तो मूल्य ऊपर हो जाएगा, और अगर मनोवृत्ति की तीव्रता अधिक होगी तो इंसान की मनोवृत्ति वहाँ पर ऊपर हो जाएगी, तो दोनों में संगति नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के अंदर आएगा कि इंसान का व्यक्तित्व जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना व्यवहार करेगा। अगर कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो वो मनोवृत्ति के अनुकूल व्यवहार जल्दी नहीं करेगा, और अगर आक्रामक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो उसकी मनोवृत्ति और व्यवहार में संगति बनी रहेगी, मतलब कि दोनों में रिलेशन ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर एक व्यक्ति है वो घर में हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, वो घी तेल तना भुना नहीं खा रहा है बिल्कुल भी घर में, वो जा रहा है बाहर कहीं पर दोस्तों के साथ पार्टी में। अब उसे क्या बाहर जाएगा तो उसे बाहर फ्राइड भी मिलेगा और उसे ऑयली भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा खाने को। अगर उसका अंदर से व्यक्तित्व स्ट्रांग है तो वो सोचेगा कि अगर घर में नहीं खाना तो बाहर भी नहीं खाना, वो स्ट्रांगली वहाँ मना कर देगा। अगर उसका व्यक्तित्व कमज़ोर है, एक बार सोचेगा फ्रेंड क्या सोचेंगे, मैं नहीं खाऊंगा तो उन लोगों को बुरा लग सकता है, इस टाइप से अगर व्यक्तित्व है तो वो वहाँ पे खा लेगा वो चीज़। तो ये डिपेंड करता है इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, तो ये व्यवहार और मनोवृत्ति दोनों में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। यहाँ पर प्रतिकूल भी हो सकती है मनोवृत्ति और अनुकूल भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव जितना अधिक होगा मनोवृत्ति और व्यवहार में सामंजस्य उतना ही नहीं होगा, और जितना सामाजिक दबाव कम होगा उतना ही दोनों में सामंजस्य होगा। इसके लिए भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि घर में हेल्थ कॉन्शियस है वो बंदा, कि घर में नहीं खाता है ऑयली फ्राइड इस टाइप की चीज़ें, अब वो बाहर जा रहा है फ्रेंड्स के साथ या पार्टी में किसी जा रहा है, तो वो उसको सामाजिक दबाव उस पर प्रेशर आएगा कि एक दिन खा लो यार, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, एक हेल्थ कॉन्शियस एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, मोटे नहीं हो जाओगे, खा लो या कोई बीमारी नहीं लग जाएगी, तो ये इस पर सामाजिक प्रेशर आएगा, उसके सोशल सर्कल में प्रेशर आएगा कि चल एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, तो इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर उसके दोस्त यार ऐसे होंगे कि चल ठीक है वो जैसा कर रहा है वैसे करने दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर इस वो उसकी मनोवृत्ति और व्यवहार में बिल्कुल सामंजस्य रहेगा, वो नहीं खाता घर में तो बाहर भी नहीं खाएगा। इस टाइप से सामाजिक दबाव जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उसकी मनोवृत्ति कार्य करेगी। नेक्स्ट होती है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कि हमारी जितनी अधिक इच्छा होगी किसी चीज़ को करने की, जो हमारी प्रायोरिटीज़ होगी वो यहाँ पर मैटर करेगी मनोवृत्ति और बिहेव के रिलेशन में। जैसे कि एग्जांपल इसमें देती हूँ कि आप लोग एस्पिरेंट्स हैं। अब एस्पिरेंट्स का मीन्स मतलब होता है कि आप लोगों को कम से कम 10 से 12 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टीवी मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा, इस टाइप का हमारा दिनचर्या हो जाती है, हमारी रूटीन हो जाता है डेली का। लेकिन क्या आप लोगों का मन नहीं करता कि फिल्म देखने जाएं, दोस्तों के साथ घूमें फिरें? तो यहाँ पर हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है कि हमें सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं तो हमें स्टडी करनी है। हम इच्छा तो है हमारी, हमारी मनोवृत्ति तो है दोस्तों के साथ घूमने की या फिल्म देखने की, बट हमारे ये जो महत्वाकांक्षा है वो IAS ऑफिसर बनने की है, तो यहाँ ये प्रायोरिटी हो जाती है, इसलिए हम अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल बिहेव नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, मान लो कि आप एक सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, अब आप क्या दिन भर अपने कार्य में बिजी रहते हैं कार्यालय में, अब आप अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं, क्या आपके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, आपकी मनोवृत्ति नहीं है
कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे, उसके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे, बट आपकी प्रायोरिटी आपका काम है इस समय। तो आप फैमिली को टाइम ना देके, सकारात्मक मनोवृत्ति होते हुए भी फैमिली को टाइम ना देके आप अपने काम पर ध्यान देंगे, तो यहाँ आपकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिस चीज़ की महत्वाकांक्षा अधिक होगी उसी के अनुकूल बिहेव होगा हमारा। तो आशा आपको ये चीज़ पारिस्थितिक बाधाएं क्या क्या होती हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवृत्ति से जुड़े पक्ष और कौन कौन से, ये जब जो चार पक्ष हैं इसके कारण भी बिहेव में चेंज आता है, बिहेव इससे परिवर्तित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मनोवृत्ति का उद्भव। जैसे मनोवृत्ति का उद्भव हुआ होगा वैसे ही हमारा बिहेव में परिवर्तन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, कहीं पर दंगा हो रहा है। अब दंगा, हम लोग जो दंगा देखते हैं वो टीवी में देखते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर सुनते हैं किसी से, तो हमारे मन पर उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो बट किसी पर्सन ने यदि दंगे में अपने परिवार को खोया है या किसी पर्सन ने दंगे को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो उसकी मनोवृत्ति दंगे के प्रति बिल्कुल ही नकारात्मक होगी, वो विरोधाभासी होगा दंगे का। तो वो उसकी मनोवृत्ति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगी दंगे के प्रति। इसी तरह जिसने सिर्फ सुना है, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ देखी नहीं है, तो उसकी मनोवृत्ति थोड़ी सी उसके प्रति इतनी नकारात्मक नहीं होगी जितनी कि प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले के बीच होगी। तो यही चीज़ होती है कि व्यवहार में बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है कि मनोवृत्ति का उद्भव कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष आधार पर हो रहा है या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर मनोवृत्ति का उद्भव हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मनोवृत्ति की शक्ति। मनोवृत्ति कितनी अधिक शक्तिशाली है इसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे व्यवहार के ऊपर। अगर मनोवृत्ति बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि आतंकवादियों की मनोवृत्ति होती है, वो अपने उनका माइंड वॉश ऐसे कर दिया जाता है कि वो ये भी नहीं देखते कि हमें चोट लगेगी या सामने वाले को चोट लगेगी, इतनी अच्छी तरह उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी मनोवृत्ति की शक्ति कैसी है, उनको इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो बिल्कुल अपनी मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगते हैं। तो ये मनोवृत्ति की शक्ति पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट होती है मनोवृत्ति की विशिष्टता। इस पर भी इसका व्यवहार डिपेंड करता है। इसमें कॉमन एग्जांपल लूँगी, अगर कहीं जाते हैं मेहमान बनकर, आपसे पूछा जाता है कि आप मिठाई खाएंगे, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है हाँ मिठाई पसंद है हमें, खाएंगे। अब आपके सामने मान ले ऐसी मिठाई आ जाती है जो आपको नहीं पसंद आती, तब आपका बिहेव क्या होगा, उसके प्रति नेगेटिव होगा। कोई कोई मिठाइयाँ होती हैं जो नहीं पसंद आती। अब मिठाई तो एक कॉमन थिंग है जो कि सबको पसंद होती है। अब मिठाई के अंदर भी गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, तो किसी एक या दो पर्टिकुलर मिठाई के प्रति नकारात्मक या बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रवृत्ति होती है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा बिहेव चेंज हो जाता है। मीन्स मिठाई तो खाएंगे, लेकिन ऐसी कोई मिठाई आ गई जो आपको नहीं पसंद है, तब आपका बिहेव चेंज हो जाएगा। पहले तो आप मनोवृत्ति के अनुकूल आपने बिहेव किया, लेकिन आपको जब पता चला कि वो स्पेसिफिक मिठाई आई है जो आपको नहीं पसंद है, तब आप वो नहीं खाएंगे। तो इससे मनोवृत्ति की विशिष्टता के कारण भी व्यवहार पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हम करेंगे सत्य एवं अभिव्यक्त मनोवृत्ति। इसका मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि हमारे अंदर कुछ और होता है, शो हम कुछ और करते हैं। सिंपल, घर में मेहमान आ जाते हैं, दोपहर के टाइम आप लोग खाना पीना खा चुके हैं, अब वो लोग आ गए तो खाने के टाइम पर आए हैं, तो आप लोग पूछेंगे ही कि आप बैठिए हम लोग खाना बनाते हैं, लेकिन अंदर से आपका मन नहीं होगा, आप लोग यही सोचेंगे कि जल्दी से ये चले जाएं या मना कर दें खाने को, हमें दोबारा ना बनाना पड़े, इस टाइप से। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर आप डीएम बन चुके हैं कहीं के, आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट आप काम में बिजी होने के कारण वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप टाइम चाह कर भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सत्य और अभिव्यक्त मनोवृत्ति में प्रतिकूल प्रभाव या अनुकूल प्रभाव हो सकता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल इसमें देती हूँ
एक नौकर है, वो अपने मालिक के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, लेकिन क्या उसके सामने बोलेगा कि मैं आपके प्रति नकारात्मक बिहेव रखता हूँ या मनोवृत्ति रखता हूँ? वो उसके सामने हमेशा सकारात्मक मनोवृत्ति ही प्रदर्शित करेगा। तो ये सत्य और अभिव्यक्त मनोवृत्ति में मतलब इंटर रिलेशन होता है, इसके कारण भी मनोवृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मनोवृत्ति से जुड़े पक्ष। थर्ड हम करते हैं समय कारक। समय बहुत इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मनोवृत्ति और व्यवहार में। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको इजी सा देती हूँ। बचपन में आपको भिंडी की सब्जी खाना पसंद था। अब कोई एक आपका दूर का रिलेशन है, आप उसके यहाँ गए थे बचपन में, आपने भिंडी की सब्जी बहुत मन पसंद से खाई थी, तो उसको वही याद था। अब वही 15 साल बाद आप फिर गए उसके यहाँ, तब उसको तो वही बचपन की चीज़ याद थी कि आपको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद थी, उसने वही आपके लिए बनाई। लेकिन अब समय इतना बीत चुका है, 15 साल बीत चुके हैं, अब आपको भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइम के साथ हमारी मनोवृत्तियाँ चेंज होती जाती हैं। अब उसके नज़र में तो वो पसंद थी आपको भिंडी की, लेकिन अब आपको नहीं है। तो टाइम फैक्टर भी बहुत इसमें इफ़ेक्ट करता है। टाइम के साथ हमारी मनोवृत्तियाँ और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उस समय व्यवहार कुछ और था उस सब्जी के लिए, अब 15 साल बाद व्यवहार कुछ और है। तो समय कारक भी इसमें होता है हमारी मनोवृत्ति के परिवर्तन में और मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग व्यवहार के परिवर्तन में। तो होप आपको ये तीन फैक्टर समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं हम, मनोवृत्ति और विचार में संबंध क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसमें विचार जान लेते हैं कि विचार कैसे होते हैं। विचार चार तरह के मूलतः होते हैं। पहला होता है तटस्थ विचार। तटस्थ विचार का मतलब होता है कि कोई भी विचार ना आना या फिर किसी भी विचार के प्रति राग या विराग नहीं होना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। कोई भी बच्चा है, उसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा जाए कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो उसके अंदर कोई भी विचार नहीं आएगा, वो तटस्थ रहेगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है या किसे वोट देना है, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें होगा मत। अब वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, जब उसे समझ में आ रहा है, तो वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति समर्थन या झुकाव की तरफ खड़ा होगा। तो ये उसका मत होगा। तो ये मत जो होगा, इसमें ये सही भी गलत हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये उसके मन में डाउट होगा कि मेरा मत है या मेरी राय है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास क्या होता है? अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति एक पर्टिकुलर अच्छी मत है या अच्छा राय है, तो धीरे धीरे आगे चल के अगर कोई पॉजिटिव साइन मिलता है उस पार्टी के प्रति, तो उसका विश्वास बन जाएगा कि मेरा मत सही था, अब ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। और यही आगे चल के जब वो लाइफ में उसके एक्सपीरियंस होते रहेंगे, तो ये दृढ़ विश्वास बन जाएगा कि मेरा राय सही थी और मेरा विश्वास सही था, वो उसका दृढ़ विश्वास बन जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सही होगा, लेकिन ओवरऑल कॉमन सही हो ये ज़रूरी नहीं होता इसमें। और इस दृढ़ विश्वास को कभी कभी अंधविश्वास या रूढ़िवाद भी कहा जा सकता है इसमें। तो पहले हमने विचार के बारे में समझा कि ये चार तरह के विचार होते हैं। मनोवृत्ति तथा विचार एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और विचार मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष का भी निर्माण करते हैं। जो हमें ज्ञान मिलता है, उसका निर्माण जो होता है वो विचारों के द्वारा ही होता है, और मनोवृत्ति के निर्माण में भी विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही सूचनाओं को ग्रहण करता है, मतलब कि वो वही सूचनाएं ग्रहण करता है जैसे उसका एटीट्यूड होता है, जैसा वो सुनना चाहता है, समझना चाहता है। ये सूचनाएं ही विचारों को प्रभावित करती हैं और नए विचारों के निर्माण में भी अपना योगदान देती है, और नए विचार बनेंगे तो उसी से ही मनोवृत्ति हमारी बनेगी। आगे चलते हैं हम, पहले पढ़ेंगे विचारों का मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विचारों का मनोवृत्ति पर प्रभाव, सबसे पहले गहराई के, विचारों की गहराई कैसी है। विचारों की गहराई जिस हिसाब से होगी, उसी हिसाब से मनोवृत्ति को वो प्रभावित कर पाएगी। जितना अधिक विचार गहरा होगा, जितना अधिक तीव्र होगा, जितनी अधिक तीव्रता होगी विचार की, उतनी ही मनोवृत्ति ज्यादा उसे प्रभावित करेगी। नेक्स्ट व्यक्तित्व।
विचार जो होते हैं वो व्यक्तित्व पे डिपेंड करते हैं इंसान के, कि वो कैसे उसको प्रभावित करेगा। जैसे कि बच्चों का जो व्यक्तित्व होता है वो जल्दी ही प्रभावित हो जाता है बड़ों की अपेक्षा। बच्चों को अगर हमने मीन्स अगर किसी बच्चे ने रात को खाना नहीं खाया है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे यही बोला जाता है ना कि बेटा खाना खा लो नहीं तो रात को भूत उठा के ले जाएगा, या फिर सो ऑन, जो भी मदर्स अपने बच्चे को कहती हैं कि बुढ़िया माई पेट काट के ले जाएंगी, इस टाइप से कुछ कहावतें कही जाती है बच्चों को। तो ये विचार उसे दिया गया, अब उसकी ये मनोवृत्ति बन गई कि हाँ अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। लेकिन यही विचार अगर बड़े को दिया जाए तो वो क्या मान लेगा? नहीं ना। तो इसी तरह व्यक्तित्व जैसा होगा उसका, वैसे ही उसकी मनोवृत्ति विचार दिए जाएंगे और उस विचारों के अकॉर्डिंग उसकी मनोवृत्ति बदलेगी, चेंज होगी, अनुकूल या प्रतिकूल, ये व्यक्तित्व पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, संप्रेषणकर्ता। अब संप्रेषणकर्ता कैसा है, जो विचार दे रहा है या जहाँ से विचार प्राप्त हो रहे हैं वो कैसा है, ये मनोवृत्ति बनाने में बहुत ही इफेक्ट डालता है। जैसे कि मैं कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर बोलेगा आप ये दवाई खा लो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो इंसान उस व्यक्ति को ज़्यादा मानेगा, उस व्यक्ति की बात ज़्यादा मानेगा। ऐसे ही कोई अगर नॉर्मल घर का व्यक्ति बोल दे कि आप ये दवाई खा लो आप ठीक हो जाओगे तो कोई ये चीज़ यकीन नहीं करेगा कि बोलेगा आप कोई डॉक्टर है जो आपको पता है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर सामने वाले ने कोई विचार दिया और वो संप्रेषण करता जो विचार देने वाला है वो कुशल है किसी चीज़ में तो वो हम विचार देकर हमारी मनोवृत्ति को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर वो अकुशल है तो उसको चेंज करने में टाइम लगेगा और मुश्किल होगी उसे चेंज करने में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी विचारों का मनोवृत्ति पर प्रभाव कैसे पड़ता है। आप इसमें अपने तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, ला सकते हैं, बहुत ही एग्जाम्पल होते हैं एथिक्स में, बस सोचने की देरी होती है कि आपको वो चीज़ कैसे समझ में आई, कितनी समझ में आई। नेक्स्ट करते हैं, मनोवृत्ति का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमारी मनोवृत्ति जैसी होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं, ये तो बहुत ईजी है। चयनात्मक, जो भी हम मनोवृत्ति हमारी जैसी होती है हम विचार भी वैसे ही चूज करते हैं। मीन्स कि मैं ऐसा अगर आपको बोलूं, विचार का मतलब क्या, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान जहाँ से मिल रहा है। अगर हमारी संगीत के प्रति रुचि है या हमें ड्रम बजाना अच्छा लगता है तो हम ज़्यादातर चैनल्स कौन से प्रेफर करेंगे, हम संगीत वाले चैनल, सॉन्ग वाले या फिर ड्रम वाले चैनल ज़्यादा प्रेफर करेंगे अगर हमें ड्रम बजाने में रुचि है। तो यही चीज़ मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग हम अपनी क्रियाओं का चयन करेंगे, हम विचारों का अपनी चयन करेंगे। नेक्स्ट, एक इसमें यह भी इफेक्ट पड़ता है कि मनोवृत्ति जैसी होगी वैसा ही हम बिहेव करेंगे। पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है इसमें हमारे विचार। जैसे कि हम कोई डीएम है, हमारी मनोवृत्ति है कि वंचित वर्गों को, जो पिछड़े हुए हैं वो पैदा ही पिछड़े हुए हैं और उनको कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अगर हमारी मनोवृत्ति ऐसी है तो हमारे विचार भी ऐसे ही होंगे कि हम फिर उनकी तरफ कोई भी सुविधा जाने नहीं देंगे। तो हमारा बिहेव कैसा हो जाएगा, विचार कैसे हो जाएंगे, पक्षपातपूर्ण बिहेव या विचार हो जाएंगे। नेक्स्ट, पूर्व चेतावनी। मनोवृत्ति हमारी ऐसी होती है कि किसी भी चीज़ के प्रति अगर हमारी मनोवृत्ति पॉजिटिव या नेगेटिव है वो उस तरह के विचार ग्रहण करने के लिए हमें पूर्व चेतावनी देगी। मीन्स कि हमें इस टाइप के विचार ग्रहण करने चाहिए या इस टाइप के विचार ग्रहण नहीं करने चाहिए। अगर हमें किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, करुणा नहीं है, तो हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, तो हमारी विचार कैसे आएंगे हमारे कि चलिए हम अपना काम में लगते हैं, उसके साथ जो होगा होने दो। तो ये पूर्व चेतावनी का भी काम करता है, मतलब विचार कैसे आने चाहिए ये हमारी मनोवृत्ति पर डिपेंड करती है, वो उसको चेतावनी देने का भी कार्य करता है। तो आशय आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध होता है, मनोवृत्ति और विचार में क्या संबंध होता है, दोनों आपस में कैसे रिलेशन होता है उन दोनों में, और कौन कौन सी बाधाएं हैं जो उनको अनुकूल या प्रतिकूल बिहेव करने में रुकावट पैदा करती हैं या फिर उनके साथ कॉपरेट करती हैं। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए, आगे ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आएंगी। एथिक्स जो पेपर है वो
देखने में बहुत टफ है, लेकिन अगर आपको ये टर्म्स समझ में आ गई, आपको चीज़ें समझ में आ गई और एग्जांपल आपने अपनी डेली लाइफ से लेके इसमें डाले, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और बहुत ही कम सिलेबस है इसका। हम धीरे धीरे इसका सिलेबस पूरा कर रहे हैं। कितनी भी कोशिश करती हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है और भी दो चार चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।